जो यूपी में इतने अपराध हुए उसका। क्या हुआ यूपी में, एक बार उंगली ऐसे करके दिखाओ, अब बाबा तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। भाई हाथ रस में क्या हुआ था ये भी तो बता दे, हाथ रस में क्या हुआ था? हाथ रस में एक लड़की, वो रात को 1 बजे जला दी इन्हीं की सरकार में। अच्छा, इन्हीं की सरकार में और यो इन्हीं की पुलिस में जलाई है। योगी जी ने जलवाई, इन्हीं की पुलिस ने जलाई है। योगी जी बोले क्यों ना, इन्हीं की पुलिस तो किससे पूछेंगे यार, कमाल होगा। पुलिस ने 1 बजे फिर जवाब दे, हमेशा सरकार की होती है, सरकार ही जवाब देगा, विपक्ष जवाब नहीं देगा किसी को। देखिए कह रहे कि जो सरकार अभी जिसकी है वही जवाब देगा, विपक्ष क्यों जवाब देगा? किसकी सरकार है? भाजपा की, कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है तो वही जवाब। अच्छा भाजपा, जब एक बात बताओ है कहाँ से, एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, तुम कह रहे हो भाजपा की सरकार है, सुनो क्या हुआ, भाजपा की सरकार है, भाजपा एक बात बताओ, भाजपा क्या कर लेगी इसमें? अब रात को आप जा रहे हो, वो सुन, ये कह रहे हैं जहाँ पे 33 यूपी के अंदर 133 रेप होते थे डेली, नहीं तो आप गूगल चेक कर लो, सुनते रहे भाई। अब तीन रेप से भी आंकड़ा का नीचे है। NCW की रिपोर्ट कैसे सामने आती है कि सबसे ज्यादा अपराध यूपी में बढ़ गया है? दिखाओ मुझे, आपके रिपोर्ट दीजिए ना, मैं आपके सामने करता हूँ कि अभी की दोगे, अभी की दोगे हैं? देखिए आप सर्च करो, आप जाके पढ़ लीजिए, यूपी में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूपी में बढ़ चुके हैं? अच्छा जी भाई, यूपी में कौन है इधर से, यूपी में है कोई यहाँ पे? इस पे लिखा है कि 11 रेप पर डे होता है अभी भी। हाँ होता है ना, तो 133 से भाई 11 ज्यादा है कि कम? 133 का नंबर नहीं है यहाँ पे सर, तो क्राइम रेट देख लो, ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, 36,467 दैनिक जागरण की। अच्छा देख लीजिए, आप गलत हो, मैं गलत हूँ, चलो मैं गलत हुआ भाई। रिपोर्ट भी दिखा दिया, कौन सी रिपोर्ट दिखा दिया, सब डेटा भी दिखा रहे। एक आप बात बताओ तो 2015 का डेटा क्यों नहीं निकाल रहे हो? 2022 का निकाल के दिया, 2022 का सर, 2015 का निकालो ना, 133 से 11 पे आ रखी है, आप निकालो ना। चलो देखो, एक सेकंड मेरे को निकालने दो, हाँ निकालो, 133 से 11 पे तो आ रखा, और मेरे हिसाब से तो 3 पे था। कह रहे कि अपराध कम हुआ है, कहाँ पे कम हुआ है, इनसे बोल दो, जो सत्ता के पद में 3,000 था 2020 में 2,700, तो 1,000 से कम, 1,000 भी नहीं हुआ, 300 कम हुआ है, लेकिन भाई चाहे कम हुआ ना हुआ, कम तो हुआ, 300 से क्या फर्क पड़ गया, 300 से कोई फर्क है? एक बात बताओ, 5 साल के अंदर सारे ही कम कर देंगे? अब ज्यादा बोल रहे हो, रेप होता है, एक कम हो या दो कम हो, रेप होता है। आपको एक बार गूगल करना चाहिए। चलो बाय गाइस, एक मिनट बंगाल के लिए तो बोल लो फिर, जो अभी सरकार में जब भी उसकी बात होती है विपक्ष का तुरंत क्यों ले आता है? वही रवीश कुमार, सुनो रवीश कुमार, बदायूं की न्यूज तो चला ही नहीं, आजम खा के घर पे उसको वो देने से लगे क्यों, और चैनल ने यूपी की चलाई, सबने चलाई, किसने चलाई, किसने नहीं चलाई? आपको तो यूपी में अपराधी नहीं दिख रहा है, चलाई आपको यूपी में अपराध दिख, आपने चलाई? हाँ हम तो पूछते हैं पब्लिक से जाके, पब्लिक बताता है कि रवीश कुमार ने क्यों नहीं पूछा किसी से, तो मेन स्ट्रीम चैनल क्यों नहीं रवीश कुमार ने नहीं पूछा, उसका ये मुद्दा वो उसका मुद्दा है, सुनिए सुनिए, रवीश कुमार ने नहीं पूछा वो उसका मुद्दा है, लेकिन जो देश की मिस्ट्री मीडिया है वो क्यों नहीं दिखाती? आज दिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है यूपी में, दलितों पर अत्याचार 2 गुना 3 गुना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना पहले नहीं होता था। अब इनसे पूछा, मैम ये जरूर एक आप ये लगा के चलिए, आप पुलिस एक एजेंसी है, एकमात्र एजेंसी, वो किसी के घर में घुस के नहीं कर सकती, घर में आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप भीमराव अंबेडकर को आप भी मानते हो, अब आपको मानना पड़ेगा, इस देश संविधान से चलता है, आपको मानना पड़ेगा। न्यूज चैनल पे बोलता पहले मेरे लिए कुरान है, जब तुम क्यों नहीं बोलते, पहले शरीयत है मेरे लिए, वो मुलाना जो टीवी पे बैठते हैं जेल में डालो, जो कहता जेल में डालो, कुछ रहने वाले व्यक्ति सुनो, जो भारत में रहता है उसके लिए पहले संविधान है, धर्म आपका बाद में होगा। पुलिस एकमात्र एजेंसी है जो कि आपके घर में घुस के अपराध को नहीं कम कर सकती। अब आपके घर में चाकू है, आप चाकू का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, वो आपके संस्कार हैं जो आपको मिले हैं, कि संस्कार आपके काम पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। पुलिस एक एजेंसी है, जब आप नेताओं को ऐसे को चुन के भेजेंगे जो अपराध में लिप्त हैं, आप उनकी वाह वाह करेंगे, तालियां बजाएंगे, तो वही तो पुलिस को कंट्रोल करेंगे आप बाद में। पुलिस चाहते हुए भी, पुलिस का जो प्रशासन है, पुलिस के उच्च अधिकारी हैं, वो चाहते हुए भी अपना जो नॉर्म्स हैं पुलिस सिविक सेंस के, वो अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि उन लोगों को पीछे से अपराधीकरण का प्रावधान है कि आप रोकिए इस चीज़ को। कौन अपनी नौकरी गवाएगा?
पहले कष्ट आपको सिविक सेंस पे आपको घर से चालू करना पड़ेगा लेना, तब जाके ऊपर तक कष्ट आपका स्वीकार होएगा। ये चीज है। क्या लग रहा है दबाव है अब लोगों पर? किस चीज का? भाजपा सरकार जब से आई है तो क्या लोगों पे दबाव ज्यादा बढ़ गया, काम नहीं हो? मैम ऐसे देखिए कि भाजपा आए या कोई भी आए, एक राजनीति में हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अपोजिशन भी रहनी चाहिए और पावर में भी रहना चाहिए। इंडिया में क्या है, अपोजिशन का जो परसेंटेज है उस हिसाब से उसकी सुनवाई नहीं होती। अब आपने 49 वोट दिए, दूसरा 51 वोट से जीता तो एक वोट से, लेकिन 49 वोट्स जो थे उनकी कोई सुनवाई नहीं। आप 49 की परसेंटेज रखिए ना कि इस मुद्दे में इसकी इतनी सुनवाई होएगी, इतनी परसेंटेज इस मुद्दे में मानी जाएगी वहाँ पर वोट। वो 49 तो बिल्कुल रुष्ट हो गए एक तरह से। थोड़ा सा संविधान में सुधार की जरूरत है, लेकिन आज के टाइम में संविधान में सुधार कौन करेगा? अंबेडकर जी बना गए, अंबेडकर जी ने जो बनाया, आज जो बनाएंगे वो अपने महत्वाकांक्षाओं से लिप्त होंगे सारी की सारी जगह। ये चीज क्या लग रहा है आपको इस वक्त किसकी सरकार? इस समय तो मायावती की सरकार आने वाली है। अच्छा। जी बिल्कुल, गठबंधन लग रहा है आपको? आ गया है। हाँ हमें लग रहा है कि गठबंधन है। हाँ। तो इसे प्रधानमंत्री मायावती बनेंगी। अच्छा, मोदी जी के काम पसंद नहीं आ रहे? हमें तो कतई ही ना पसंद आ रहे हैं। ग्रेजुएशन करके हम यार इधर उधर भटक रहे हैं, कोई काम नहीं है। जब भी कोई भी फार्म अगर भरो लीक हो जाता है, परेशान होकर के फार्म भरना ही छोड़ दिया। मैं पूछ सकता हूँ? 29 साल है। हाँ, किसमें किया? आपने कितने कंपटीशन दिए? कंपटीशन नहीं दिया, जो साधारण है उसका तो फार्म भर सकते हैं। हाँ हाँ, आप बैठे? हाँ बैठे। आप ये बताइए मुझे कि जो भी आपने कंपटीशन दिए, आपने क्या स्किल ली, स्किल क्या ली आपने? स्किल बस वही है कि भाई रेलवे में नौकरी करने की चाहते हैं। पढ़ लिख लिए? जी पढ़ लिख लिए। जब पढ़ाई लिखाई आपने करी, उसमें आपने कोई स्किल तो ली होगी? किस चीज में पढ़ाई करी आपने स्पेशलाइजेशन? रेलवे की भाई तैयारी कर रहे थे। स्पेशल तो हम बिजनेस का कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हो ना आप? बिजनेस में क्या आप एंटरप्रेनर बनना चाह रहे हो? मतलब अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनोगे या नौकरी पे आओगे, आपको क्या पसंद है? बिजनेस करना है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं। अरे बिजनेस जब नहीं मिलेगा तभी तो बिजनेस करने के चक्कर में पड़ेगा। जब आपको 50,000 नौकरियां मिलेंगे और आप 10 लाख बिजनेस में कमाएंगे या 2 लाख रुपए अपनी सीट पे बैठ के, जब आप पढ़ने के बाद अगर किसी को कुछ चाहिए तो वो नौकरी ही चाहिए। जब नहीं सुनिए, पहले बात नहीं, स्टार्टअप से नहीं चल रहा है। जितने भी 80% लोग पहले नौकरी कहाँ पड़ता है? कहाँ पढ़ता है? स्कूल जो खुला है तो कौन पढ़ाता है? पढ़ाता कौन है? स्कूल में पढ़ने वाला कौन जाता है? आप ये बताइए, पढ़ने वाले आज भी IAS IPS बिहार से ही निकल रहे हैं सबसे ज्यादा। जहाँ पर सबसे ज्यादा अपराधी IAS IPS वहाँ से हैं, तो वहाँ पर ही तो वो बच्चे हैं जो वहाँ पर भी पढ़े हैं उसी स्कूलों में, और एक बच्चे जो अपराध में लिप्त हुए हैं। तो आप ये बताइए मुझे, IAS कहाँ से निकले हैं सबसे ज्यादा पंडित जी? प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, क्या लग रहा है शिक्षा के लिए कुछ हो रहा है? सुनो पहले ये भैया ये कह रहे हैं कि बिहार से निकलते हैं। मैं मानता हूँ बिहार से भी अच्छे पढ़े लिखे लोग निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सुनो राजस्थान से भी निकलते हैं, देश के कोने कोने से निकलते हैं भैया, ऐसी बात नहीं है।